अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर किचन एंड व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सूजी के हलवे की रेसिपी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हम ले लेंगे एक कटोरी सूजी, एक कटोरी हमने ले ली है शक्कर, और एक कटोरी देसी घी लेंगे। 10 से 12 बादाम को पतला पतला काट लिया है मैंने, और 4 से 15 किशमिश लेंगे, 10-12 कलमे ज़ाफ़रान के लेंगे, और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ले लेंगे। और इस तरह से मेजर करके बनाया हुआ हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले हम हलवे की चाशनी पकने रख देते हैं, यानी शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो जिस कटोरी से मेजर करके हमने सूजी ली है, इसी कटोरी से मेजर करके हम एक बर्तन में पानी लेंगे। तो हम यहाँ 4 कटोरी पानी लेंगे, और इसमें 1 कटोरी शक्कर डालेंगे, और इसके बाद ज़ाफ़रान यानी सेफ्रॉन भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चला देंगे ताकि शक्कर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक हम चाशनी पकने देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, मतलब लो फ्लेम पर ही हम चाशनी को पकने देंगे। तो चाशनी में मैंने 4 कटोरी पानी ली हूँ, ताकि मैं सूजी भुने तक चाशनी को पकने दूंगी। मतलब मुझे 1 तार की 2 तार की कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे अच्छी तरह से पकने देना है। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे। थोड़ा सा घी मैंने बचा ली हूँ, बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें बादाम सबसे पहले डालेंगे, इसके बस हल्का सा करारा करेंगे, फिर थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। तो किशमिश को ज़्यादा देर नहीं रखना है घी में, बहुत जल्दी लाल होना शुरू हो जाती है। बस थोड़ा ये हो जाए तो निकाल लेंगे। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, और सूजी को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर भूनना है। तो इसे हम अच्छी तरह से लगातार चलाते रहेंगे, सूजी भूनने में गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। सूजी मीडियम फ्लेम पर लगातार चमचा चलाते हुए भूनना है हमें, जब तक ये इसमें अच्छा सा सुनहरी कलर ना आ जाए तब तक हम सूजी भून लेंगे। तो सूजी अच्छी तरह भूनेगी तभी हमारा हलवा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए, सूजी भून चुकी है। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें मैं डाली हूँ खोआ। तो खोआ मैंने 1 टेबल स्पून डाली हूँ, और इसे ऐसा क्रश करके डाली, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था खोआ। तो गरम सूजी में बहुत जल्द ही मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप सेफ्रॉन की जगह फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने सूजी भुने तक पकने दिया है, और अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो गरम गरम चाशनी हम गरम गरम सूजी में ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए, हम डालते जा रहे हैं, साथ ही साथ सूजी जो है वो पकते भी जा रही है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे, और इसे मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और पक भी जाए सभी तरफ से। तो चाशनी को गरम ही सूजी में डालना है, इस तरह से चलाते जाना है। तो देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बचा हुआ घी भी हम डाल देंगे, और 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, हमारा मज़ेदार हलवा बनकर तैयार है। इसे मैंने बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार सूजी का हलवा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।